कई दिनों के बिहार के बाद भगवान गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरी से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को पता चला तो वह उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे गौतम बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि दिए। नगर सेठों ने भी उन्हें प्रचुर धन धान्य और शुभ्र आभूषण भेंट किए। उस दान को स्वीकार करते हुए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर इशारा कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से गिरा ये आम मिला, मैं उसे खा रही थी कि तभी आपके प्रस्थान का समाचार सुना। तब तक मैंने आधा आम खा लिया था, मेरे पास इस आधे आम के सिवा कुछ भी नहीं है, क्या आप मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? वहां उपस्थित अपार जन समुदाय और सेठों ने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध अपने आसन से उतरकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिम्बिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल एक हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्धा के झूठे आम को लेने के लिए आप अपने आसन से नीचे उतर कर आ गए, इसमें ऐसी क्या विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्धा के पास जो भी था वह उसने दे दिया। आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है वह तो आपके अपूत संपत्ति का ही अंश है, उसे देने पर दाता का अहंकार भी पाल लिया। इस वृद्धा ने तो प्रेम और श्रद्धा से सर्वसब अर्पित कर दिया, फिर भी उसके मुख पर कितनी नर्मदा और करुणा है, ईगो ईगो तक ऐसा दान मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।